क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पानीपत पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। बीती 12 जून को गांव राजापुर निवासी दर्शन की हत्या कर उसे दीवार की ग्रिल पर लटका दिया गया था, जिसके बाद पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही थी। CIA टीम पुलिस ने हत्या के शामिल सोनीपत निवासी प्रदीप और दीपक को पानीपत से संजय चौक के पास हैदराबादी अस्पताल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों ने एक चोरी की ट्रॉली मृतक दर्शन को बेची थी, जिसका दर्शन को पता नहीं था। पुलिस के पकड़े जाने के डर से प्रदीप और दीपक ने दर्शन को दुकान से बहाने से बुलाया और पन्ने व बेल्ट से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। शव को बेल्ट और पन्ने से दीवार पर लगी ग्रिल से लटका दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी सोनीपत जिले के गाँव ग्यासपुर के रहने वाले है। वही पुलिस ने बताया की हत्या में इनका एक साथी विक्रम और शामिल है, जो की भरतपुर गरोड़ा का निवासी है। वह अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसे पकड़ने का जल्द ही दावा कर रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पानीपत से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।